डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारी विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं युद्धग्रस्त देश सीरिया की। जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। साथ ही इदलीब की सड़कों पर उतरे लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया। दरअसल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को 7 साल का चौथा कार्यकाल देने के लिए बुधवार को मतदान हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि ये चुनाव बस दिखावा है और राष्ट्रपति बशर अल असद का जीतना तय है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी सीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव को नकार दिया है। पश्चिमी देशों का दावा है कि ये चुनाव एक धोखा है और इनमें राष्ट्रपति असद की जीत पक्की है। कोरोना संकट के बीच सीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव पर रूस और चीन की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। आपको बता दें कि रूस शुरू से ही सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के पीछे मजबूती से खड़ा रहा, जबकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश विद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं। गौरतलब है कि सीरिया साल 2011 के बाद से ही गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इस लड़ाई में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।